नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। वेलकम बैक, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, और सारे ही वीडियोस मेरे डायरेक्टली रेफरेंस होते हैं यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से, तो आप इन वीडियोस पर भरोसा कर सकते हैं। बहुत सारी डिमांड आ रही है डैंड्रफ के बारे में, डैंड्रफ डैंड्रफ डैंड्रफ, तो डैंड्रफ या सिबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में ये वीडियो हमने बनाया है। इसके बारे में आपको सारी जानकारी हम देंगे, दवाइयों से लेके शैम्पू तक, कारण से लेके टेस्ट तक। आइए शुरू करते हैं। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, मित्रों, आपके सर पे जो चमड़ी है, जो स्किन है, उसको स्काल्प कहते हैं। स्काल्प के ऊपर बाल होते हैं, लेकिन बाल के आसपास ऑयल ग्लैंड भी होते हैं। तो आपकी वो वाली सर की स्किन जो है, वो अगर फ्लेकी फ्लेकी हो गई, उसमें येलो या व्हाइट कलर के फ्लेक्स आ रहे हैं, उसमें थोड़ी खुजली हो रही है, तो उसको डैंड्रफ कह सकते हैं, उसको डैंड्रफ कहते हैं। ये ज्यादातर प्यूबर्टी के टाइम होता है, जब आपके हार्मोनल स्पर्ट्स, ग्रोथ स्पर्ट होता है, और वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, और ये आदमियों में ज्यादा होता है। इसको बेसिकली मेडिकल लैंग्वेज में सीबोरिया या सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, और इसमें कई दफा चमड़ी में लालनेस या इरिटेशन, खुजलियां भी हो सकती है, और कई दफा ये छोटे बच्चे को भी होता है, जैसे कि इन्फेंट्स को होता है, तो इसे कहते हैं क्रेडल कैप। इन्फेंट को हो रहा है तो ये ऑब्वियसली कई दफा 6 से 12 महीने में अपने आप चला जाएगा, और इसको कोई खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये सर के अलावा और भी जगह हो सकता है, आईलिड्स पे, आर्मपिट्स पे, ग्रोइन पे, ईयर्स में, ईयर के पीछे, बहुत सारी जगह पे हो सकता है। बच्चों के केस में इसे सिर्फ बेबी शैम्पू से, माइल्ड शैम्पू से वॉश करना है। थोड़ा जेंटली स्काल्प पे आप अपने फिंगर से रब कर सकते हैं, और ब्रश भी करके थोड़ा सा निकाल सकते हैं, और ज्यादा केसेस में डॉक्टर से बात कर सकते हैं, राइट? और अगर एडल्ट केस में अगर हम बात करें इसका कारण क्या है, तो कोई एक कारण नहीं है इसका, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ी हुई हो सकती है, आपके सर के अंदर जो लाइव स्किन के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो खासकर जो यीस्ट रहते हैं, बैक्टीरिया के साथ जो फंगल यीस्ट रहते हैं, मेलेजियास, उनके वजह से ज्यादा होता है, और ये जहां ज्यादा ऑयल होता है वहां रहते हैं, और स्किन के अंदर एक बैरियर फंक्शन है, स्किन बैरियर फंक्शन है, वो बैरियर फंक्शन रोक के रखता है इन बैक्टीरिया यीस्ट को अंदर जाने के लिए, इन्फ्लामेशन करने के लिए, प्रॉब्लम करने के लिए। तो वो बैरियर फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाए तो होता है, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स से होता है। आपके जेनेटिक्स भी उसमें इन्वॉल्व है, जीन्स भी इन्वॉल्व है, और फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस है, फटीग है, थकावट है, वेदर चेंजेस, बहुत ज्यादा वेदर चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है, ऑयली स्किन है, स्किन में एक्नी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोशन लगाते हैं जिसमें दारू है, मोटापा बहुत ज्यादा है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, जैसे आपको मान लो स्ट्रोक क्या है, पार्किंसंस डिजीज है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है, या कोई एचआईवी इम्यूनो सपरेटिव डिजीज है, तो वो हो सकता है आपको। ये सारे फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर्स इसको प्रमोट करते हैं, राइट? तो क्या होगा अगर आपको डैंड्रफ, सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, तो आपके ऑब्वियसली सिर्फ सर में नहीं है, कई बार सिबोरिक डर्मेटाइटिस अलग अलग जगहों पे हो सकता है, बॉडी के हर हिस्से में हो सकता है, और जहां पर होगा वहां पर स्किन जो है ऑयली, ग्रीसी हो जाएगी, फ्लेकी हो जाएगी, और ये आपके आईब्रोज में, आई लैशेज में, नोज में, लिप्स पे, ये कान के पीछे, कान के बाहर, छाती के बीचों बीच कहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है कहीं पर, तो वहां स्केल्स आएंगे, प्लेक्स आएंगे, सफेद कलर के या पीले कलर के जो स्केल्स हैं, स्टिकी स्केल्स हैं, और डैंड्रफ्स ऑयल्स भी ज्यादा आएगा, ग्रीसी लगेगा सब जगह पे, इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है, बाल झड़ सकते हैं। तो ये सारी सिम्टम्स अगर दिख रही है, तो देखने भर से पता चल जाता है कि भाई ये डैंड्रफ सिबोरिक डर्मेटाइटिस है। ज्यादातर इसको टेस्ट की जरूरत नहीं होती, फिर भी अगर कंफर्मेशन की जरूरत लगे तो स्किन बायोप्सी की जा सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें, जिसके लिए आप हो यहाँ पे, तो ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों ज्यादातर ओवर द काउंटर जो डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ मेडिकेटेड शैम्पूज आते हैं वो काफी होते हैं।
आप उसे कोई भी ड्रग स्टोर से ले सकते हैं। और आप देखिए उसमें लिखा होना चाहिए, लेबल होना चाहिए कि ट्रीट्स सीबोरिक डर्मेटाइटिस या ट्रीट्स डैंड्रफ, राइट। उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है उसमें जो डैंड्रफ ट्रीट करता है? उसमें कई ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जैसे सैलिसिलिक एसिड, कोल टार, जिंक, रिसोसिन, कीटोकानाजोल, सेलेनियम सल्फाइड, इन सब का किसी किसी का कॉम्बिनेशन या अकेला कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, राइट। और आप लेबल जरूर पढ़िए कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि लेबल में कई लगा लिखा होता है, कुछ लगा लिखा होता है कि इसको कुछ देर रखना है स्काल्प के ऊपर लगा के, कुछ जगह होता है कि धो दो फट से। सो यू हैव टू रीड द लेबल्स ऑल्सो, या अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो डॉक्टर आपको बताएगा कि इसको कैसे करना है। सिवियर केसेस में ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो डॉक्टर आपको शैम्पू, क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन प्रिस्क्राइब करेगा जिसमें यही सारी चीजों में स्ट्रॉन्ग डोज होगा, राइट। या फिर कोई स्पेशल मेडिकेशन जैसे कि आपकी स्किन बैरियर फंक्शन बढ़ाने के लिए या आपकी इम्यूनिटी कम करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शन जैसे साइक्लोपाइरोक्स और सोडियम सल्फा सिटामाइड, कॉर्टिकोस्टीरोइड, टैक्रोलिमस, पेमिक्रोलिमस, ये सारी इम्यून सिस्टम दबाने की जो दवाइयाँ भी दे सकते हैं। फिर फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी भी एक ऑप्शन है जिसमें कि डॉक्टर्स करते हैं आपके स्किन को केयरफुली अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज करते हैं, वो भी जरूरत उसकी भी पड़ सकती है कई केसेस में। और कई जगह सनलाइट अकेले ही काफी है, सनलाइट में जाना, धूप में जाना आपके लिए अच्छा है। धूप में आपको, कई लोग बाहर खेलते हैं, धूप में जाते हैं, आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, धूप में समर में उनके ठीक हो जाते हैं, विंटर्स में प्रॉब्लम आती है। सो ये बेसिक चीज है सिबोरिक डर्मेटाइटिस की, और ये लाइफ लॉन्ग चलती है, अगर आपके ठीक भी हो गए तो वापस आ सकती है, क्रोनिक कंडीशन है, बीच बीच में आएगी, बीच में जाएगी। आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, और आप कोशिश कर सकते हैं कि रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से आपको हो रही है उसको कंट्रोल करें, आपकी स्किन टाइप के मुताबिक उसमें कंट्रोल करें। अगर आपने नहीं किया तो कई लोगों को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, डैंड्रफ हो रहा है, एम्बेरसमेंट होता है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, कईयों को इन्फेक्शन हो सकता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। और अगर बात करें कि भाई कुछ टिप्स दे दो कैसे ठीक करें, कैसे करें, तो बच्चों के केस में जैसे मैंने बताया, छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को है, तो 6 से 12 महीने में ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। उनके केस में क्या करिए, सिंपल बेबी शैम्पू करिए, थोड़ा सा ब्रश करिए, कोम करिए, एक बार शैम्पू लगाया सर पे, उसमें क्या होगा, उस स्केल्स जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, उसको थोड़ा सा मसाज करके सॉफ्ट करके, जैसे सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसको ब्रश करके निकाल दो, बेसिक चीज। और अगर डायपर एरिया में हो रहा है, कहीं और हो रहा है ये सारी चीजें सिबोरिक डर्मेटाइटिस, तो डॉक्टर के पास जाओ, वो रैश क्रीम देंगे आपको और बाकी दूसरी हिसाब से क्रीम दे देंगे जिसको आपको इस्तेमाल करना है। एडल्ट है, उसमें आपको हो रहा है सर पे है, तो डैंड्रफ शैम्पू यूज करना है, शैम्पू पे जो लिखा है वैसे यूज करना है। ज्यादातर तो शैम्पूज यूज होते हैं, उसमें एक दिन आपने डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज किया और उसको हर अगले दिन एक दिन छोड़ के डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज किया और अगले दिन नॉर्मली शैम्पू यूज किया, तो एक दिन डैंड्रफ वाला, एक दिन रेगुलर शैम्पू, एक दिन डैंड्रफ वाला, एक दिन रेगुलर शैम्पू। फिर धीरे धीरे जैसे ही आपकी डैंड्रफ कम होनी शुरू हो जाएंगी तो डैंड्रफ वाला शैम्पू कम कम इस्तेमाल होगा, रोज रोज रेगुलर शैम्पू, इसमें रोज शैम्पू करना चाहिए। तो रोज शैम्पू किया, फिर धीरे धीरे आपने रेगुलर डैंड्रफ शैम्पू हफ्ते में एक बार करके, दो बार करके बंद कर दिया, फिर उसके बाद में आपने रेगुलर शैम्पू किया और बाद में फिर आ गया, तो फिर यही सिलसिला फिर से शुरू। तो ये सारी सिस्टम है, ऑब्वियसली रिलीफ नहीं होगा अगर, तो फिर शैम्पू की एक्टिविटी, शैम्पू के अंदर दवाई की कॉन्सेंट्रेशन, हैवी शैम्पू लेना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाके। सो इसीलिए हर एक शैम्पू हर एक को काम नहीं आता, और शैम्पू के बारे में आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं या फिर ओवर द काउंटर शैम्पूज डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करके देख सकते हैं। इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, इरिटेट होने की कोई बात नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स में कोई बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, आराम से ठीक हो जाता है, रोज धोइए ठीक हो जाएगा, राइट। स्ट्रेस मत लीजिए, हेल्दी डाइट खाइए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा एक्सरसाइज करिए, धूप में जाइए थोड़ा सा। सो दैट्स ऑल अबाउट डैंड्रफ, डर्मेटाइटिस, सिबोरिक डर्मेटाइटिस। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे लिखिए। डैंड्रफ शैम्पू का नाम मैं नहीं बताऊंगा, हर एक में हर एक यूज नहीं होता, वो जाके खुद ट्राई करिए, डैंड्रफ वाले अपने डॉक्टर जो है डर्मेटाइटिस डर्मेटोलॉजिस्ट उनसे जाके पूछिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम अ फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरू नगर दिल्ली NCR। ये है मेरा चैनल, इसमें आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, और इस जानकारी को अच्छा लगा है तो ये जानकारी लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दो, अब तक नहीं किया है तो बटन को दबाओ, बेल का आइकन जरूर जरूर दबाइए, उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं ऐसा कोई यूजफुल वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके काम का वीडियो होगा तो देख लीजिएगा, नहीं काम का होगा तो स्वाइप ऑफ कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड गाइज, ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे हम, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह, स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी।